भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन। बारह पंद्रह साल से हम लोग ये स्वागत कर रहे हैं और आज संविधान के रक्षक और 133वां जयंती, जिस बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, इस निमित्त सुबह से हम लोग ने पार्टी के माध्यम से बहुत बड़े हर जगह काम आज हम लोग चालू कर। आज जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के निमित्त जो उनके अनिवार्य निकलेंगे, जो उनके भक्त निकलेंगे, उनका सब सेवा के लिए हम यहाँ पे आज उपस्थित है। सभी संस्था का हम लोग स्वागत करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर जो है ये संविधान के जिनके जिन्होंने संविधान इतना अच्छा लिखा है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सका, एक पत्रकार जो पेपर डालता था घर घर में डॉक्टर अब्दुल कलाम वो राष्ट्रपति बने, और मुझ जैसे एक पानपटी चौराने का बेटा नगर सेवक बना, अलग अलग पद में आया, आमदार जैसे राशन में काम करने वाला आमदार महजिद चुगले बना, ऐसे अनेक उनके संविधान की वजह से हम सबको एक अच्छा मौका मिला है। तो ऐसे मन भाव मतलब एक हम उनको भगवान जैसे उनको मानते हैं, उनका जयंती है तो इसलिए हमारा भी हक बनता है कि उनके उनका जयंती में जब अनुयायी निकलेंगे, जो भक्त निकलेंगे, किसी को कुछ तकलीफ ना आए, उसके लिए पूरा हम इधर महामानव भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पे धामन नाका पे यहाँ पे उपस्थित हमारे संतोष जी शेट्टी, हमारे आमदार महेश जी चौगुले, हर्षल पाटिल, यशवंत टावरे, समिति के अध्यक्ष विकास निकम और सम्माननीय सभी भीम भक्त, और आज प्रथम तो मैं सभी भिवंडी वासियों को मेरे तरफ से, माननीय केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल साहब के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिला की तरफ से बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे बाबा साहेब ने संविधान बनाया, वैसे संविधान के साथ में जो गोर गरीब जनता है उसके लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई। हमारे अन्ना जी ने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग अलग अलग राजनीति में आके अलग अलग लोगों की सेवा करने का काम अगर किसी के माध्यम से हुआ है तो संविधान के माध्यम से हुआ है। संविधान बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करेगी, और इससे पहले भी कुछ लोग बोलते थे संविधान खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है वो संविधान है, आम जनता है, गोर गरीब जनता है। मैं आज के दिन यहाँ पे नामांकन का मित्र मंडल और स्वाभिमान सेवा समिति की ओर से हर साल की तरह इस साल एक जोरों शोरों का वातावरण यहाँ नाके पे अपने को दिखाई दे रहा है। आज समिति का रथ यहाँ पे आया है, उसको हार पहना के सभी ने बाबा साहेब को विनम्र अभिवादन किया है। मैं मेरे तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से पूरे भिवंडी वासियों को, इन भक्तों को, आज की भिवंडी वासियों को विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के निमित्त 133वीं जयंती में तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने लोगों को मानवता का धर्म
कैसा किया जाता है वो मानवता का धर्म पूरे विश्व को सिखाया है। ऐसे माँ बहनों को मेरे तरफ से, मेरे पार्टी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो कार्य आज हम संतोष शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आयोजित करते हैं, क्या समाज में गुस्सा है? जिन्होंने ये समाज को बदलने के लिए ये कार्य किया था वैसे व्यक्ति का आज उनके लिए हम आगे बढ़ के लोगों को, आज के नए पीढ़ी को तुमने कौन से हालात में दिन निकाले वो एहसास करने के लिए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। क्योंकि जिन्होंने देश को सुधारने का काम किया था, अभी आप भी ज्यादा से ज्यादा निकल के देश को मानवता का धर्म सिखाने का काम करें, इसके लिए हम पूरे भिवंडी वासी एकजुट होके ये कार्यक्रम का आयोजित किया है। इसके लिए फिर एक बार मैं संतोष शेट्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 133वीं जयंती का सबको निमित्त बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय संविधानाचे शिल्पकार महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर यांच्या 133वीं जयंती निमित्त मी भारतीय जनता पार्टी भिवंडी शहर जिल्ह्यातर्फे सर्व भिवंडीकरांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजचा हा जो भारत आपण बघतोय हा निश्चितपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिले या भारताला त्याचीच जी एक देण आहे। आणि आज आपण इकडे भिवंडीकर एक भव्य शोभायात्रा आयोजित करून त्यांना वंदन करतोय। अतिशय सुंदर असा शोभायात्रेचं इकडे सगळ्या भीम सैनिकांनी आयोजन केलेलं आहे। खूप शांततेत ही शोभायात्रा इकडे काढण्यात येत आहे। मला एवढंच सांगायचं आहे की जे विचार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते त्या विचारांचं जर आपण आचरण केलं आपल्या दैनंदिन जीवनात तर निश्चितपणे विकसित भारताचं जे आपलं स्वप्न आहे ते पूर्ण होईल। त्यामुळे मी सगळ्यांना विनंती करतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विचारांचं आपण सगळ्यांनी आचरण करावं आणि तोच खरं त्यांना सन्मान आपण इकडे देता येईल आपल्याला। एवढं बोलून पुन्हा एकदा मी त्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।